हेलो बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा, टुडे आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर 6 ऑफ यूनिट 3 ऑफ इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड बेटा, व्हाट डू वी वांट टू स्टडी टुडे? द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड इन दिस चैप्टर वी नीड टू कवर द फॉलोइंग। क्या क्या हमें समझने की जरूरत है? पहली चीज तो हमें ये समझनी बच्चों, दैट वॉट इज द एम ऑफ दिस चैप्टर? टू अंडरस्टैंड वॉट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। होता क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट? बच्चे, द सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज वॉट आर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, राइट? तो इसमें हम ये समझेंगे कि ओके, वॉट इज द करेंट अकाउंट, वॉट इज कैपिटल अकाउंट। ये हमें नेक्स्ट चीज समझनी है बेटा। देन वी वांट टू गो अहेड एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ क्रेडिट वर्सेस डेबिट ट्रांजैक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट साइड पे क्या आता है और डेबिट साइड पे क्या आता है, ये नेक्स्ट चीज होगी जो हमें समझनी होगी। एंड आफ्टर दिस द नेक्स्ट थिंग जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो होगा कि ओके, वॉट इज अवर मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। मतलब जब भी हम मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करते हैं या इवन पीएचडी इन इकोनॉमिक्स करते हैं, वहां पे भी मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सो वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वॉट इज मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल। किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, राइट बेटा? ठीक है बच्चे, तो लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अवर इकोनॉमीज आर ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब इंडिया इज ट्रेडिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज परचेजिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इंडिया बाहर से कुछ मंगवा रही है और कुछ बाहर बेच रही है। इंडिया बाहर अपनी सर्विसेज दे रही है और बाहर के लोगों से सर्विसेज ले रही है। सो इंडिया इज एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मीन्स इट ट्रेड्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जब भी हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते हैं, सो वी नीड टू रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन समवेयर। हमें कहीं पर तो उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, उन ट्रांजेक्शन को। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। इमेजिन दैट यू हैव अ शॉप, ठीक है? ये शॉप क्या करेगा बेटा? शॉप में आपको गुड्स एंड सर्विसेज बेचने हैं। हाँ, यू हैव टू गो अहेड एंड यू हैव टू सेल सम गुड्स। सो लेट्स से दैट सपोज यू गो अहेड एंड यू सेल, सपोज मेरी जो शॉप है उसमें मैं ये सब किराने का सामान बेचती हूँ। मतलब आई गो अहेड एंड आई सेल सोप, आई सेल व्हीट, आई सेल राइस, मैं ये सारा सामान बेचती हूँ। तो बेटा, जो भी सामान मैं बेच रही हूँ, वट एवर मटीरियल आई एम सेलिंग, उसका मुझे कहीं अकाउंट बनाना पड़ेगा ना कि अच्छा ठीक है जी, मैं ये सेल कर रही हूँ, इस प्राइस पे मैंने सेल किया और आज मुझे इतना पैसा इससे मिला। आई हैव टू मेक समवेयर, मेरे को कहीं पे ये चीज लिखनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो यूजफुल कि मैं जो सामान खरीद रही हूँ किसी से भी, वो भी मैं कहीं पे अकाउंट में लिखूं। मतलब जैसे अगर मैं किसी को से सोप बेच रही हूँ, तो मैंने पीछे से कहीं से सोप खरीदा होगा ना। अगर मैं लक्स का सोप बेच रही हूँ, डिटॉल बेच रही हूँ, कुछ भी बेच रही हूँ, आई वुड हैव परचेस्ड इट फ्रॉम समवेयर। सो बेटा, आई नीड टू मेक एन अकाउंट एज अ शॉपकीपर। मेरे को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस अकाउंट में मैं क्या करूंगी, मैं अपनी सारी ट्रांजेक्शन को लिखूंगी कि ठीक है, आज के दिन में मैंने ये सारा सामान बेचा एंड मेरे पास कितना 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 पैसा आया। आई हैव टू राइट दैट डाउन, दैट हाउ मच मटेरियल आई सोल्ड एंड किस प्राइस पे मैंने वो बेचा। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो हैव टू मेक एन अकाउंट कि क्या 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 मैंने खरीदा और उसमें कितना मेरा पैसा गया, राइट? विच मीन्स आई हैव टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन, वेदर इट इज मनी कमिंग इन और मनी गोइंग आउट। चाहे पैसे के आने का हो या पैसे के जाने का हो, आई मस्ट गो अहेड एंड मेक एन अकाउंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है, हम उनका एक अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है? ये तो हो गया बच्चा एक शॉपकीपर का केस। बट नाउ कंसिडर अ कंट्री।
कंट्री इज ऑल्सो ट्रांजैक्टिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कंट्री इज परचेजिंग एंड सेलिंग गुड्स, कंट्री इज परचेजिंग एंड सेलिंग सर्विसेज. तो वो जो भी ट्रांजैक्शन एक कंट्री के रेजिडेंट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हैं, वट एवर ट्रांजेक्शन वी आर डूइंग वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बच्चे दोज ट्रांजेक्शन हैव टू बी अकाउंटेड समवेयर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छी चाय बनती है. वी हैव वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफी. ठीक है, तो ये जो हमने टी बनाई असम में बनी टी, बेटा ये हम हर जगह बेच सकते हैं. वी कैन सेल इट टू यूएस, वी कैन सेल इट टू यूके, वी कैन सेल वेयर एवर वी वॉन्ट. सो वेन इंडिया इज सेलिंग इट्स टी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रांजैक्शन को हमें कहीं पे लिखना होगा कि बाकी जब भी हमने किसी को बेचा हमें वहां से पैसा आया. दैट मनी कैन बी इन डॉलर, दैट मनी कैन बी इन पाउंड, दैट मनी कैन बी इन यूरो. जिस भी कंट्री को हमने बेचा उस करेंसी में हमारे पास पैसा आ जाएगा. दैट मनी कैन बी इन धीरम इफ यू आर सेलिंग इन दुबई. तो आप जहां पे भी वो सामान बेचोगे वहां के सिटीजन आपको पैसा देंगे इन देयर करेंसी, राइट. सिमिलरली वेन यू बाय समथिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब आप कुछ खरीदोगे यू विल पे देम, राइट. सो द रिकॉर्ड ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस दैट इज अकाउंटेड इन बीओपी. आई होप यू आर क्लियर वॉट इज बीओपी. सो लेट्स अंडरलाइन बेटा, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द रेजिडेंट्स. रेजिडेंट माने द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया, जो लोग इंडिया के अंदर रह रहे हैं. सो वी आर गोइंग अहेड एंड वी आर टेकिंग अ नोट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्लियर है? नाउ देर आर टू मेन अकाउंट्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. बच्चे जो पहला हमारा अकाउंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द करेंट अकाउंट. द सेकेंड अकाउंट दैट वी हैव दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटल अकाउंट. सम बुक्स राइट अनदर अकाउंट विच इज नोन एज ऑफिशियल रिजर्व्स. कुछ बुक्स बोलती हैं कि तीन अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व्स. बेटा वो बोलना थोड़ा सा गलत होगा. ऑफिशियल रिजर्व्स एक अकाउंट नहीं है. अभी हम देखेंगे ऑफिशियल रिजर्व्स एग्जैक्टली क्या है, बट एज ऑफ नाउ वी कैन से दैट देर आर टू मेन अकाउंट्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. वन इज कॉल्ड एज द करेंट अकाउंट एंड सेकेंड इज नोन एज द कैपिटल अकाउंट. नाउ व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रेड इन गुड्स सर्विस एंड ट्रांसफर पेमेंट. ध्यान से समझते हैं, देर आर थ्री थिंग्स इन इट, गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट. एक एक करके समझते हैं बच्चे. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स, गुड्स का एग्जाम्पल हो गया जैसे आइडल एग्जाम्पल हो गया जैसे टी. अगर इंडिया यूएस को टी सेल कर रही है, चाय बेच रही है, तो दिस इज अ गुड ना. सो गुड विल बी अकाउंटेड इन द करेंट अकाउंट. सिमिलरली अगर इंडिया कंट्री एक्स वाई जी से पेट्रोल खरीद रही है, दिस इज अ गुड ना. सो गुड विल बी अकाउंटेड इन करेंट अकाउंट. सो एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द गुड, वेन एवर यू परचेज गुड्स और यू सेल गुड्स, दैट कम्स इन द करेंट अकाउंट. ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस इज अ पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट. बच्चे पार्ट नंबर टू, नेक्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज कॉल्ड सर्विसेस. जैसे देर इज अ पर्सन, जैसे एग्जाम्पल मैं अपना ही ले लेती हूँ. सपोज मैं आज डिसाइड करती हूँ कि मैं यूएस के बच्चों को इकोनॉमिक्स की कोचिंग दूंगी. आई विल टीच द स्टूडेंट्स ऑफ यूएस इकोनॉमिक्स. व्हाट विल आई डू? मे बी आई विल मेक सम वेबसाइट, आई विल टेल देम ओके फाइन ये घंटे पे मैं आपको ये पढ़ाऊंगी. सो इफ आई एम टीचिंग टू द स्टूडेंट्स सिटिंग इन यूएस, आई एम गिविंग माई सर्विस टू द रेजिडेंट्स ऑफ अनदर कंट्री. मैं किसी और कंट्री के लोगों को अपनी सर्विस दे रही हूँ, राइट. अनदर एग्जाम्पल बेटा, देर इज अ कॉल सेंटर, दिस कॉल सेंटर इज इन इंडिया. ठीक है,
दिस कॉल सेंटर टेक्स ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हार्डवेयर. कोई कंपनी के हार्डवेयर में कोई भी दिक्कत होगी ये कॉल सेंटर सॉल्व करेगा. नाउ देयर इज अ पर्सन सिटिंग इन यूएस. सपोज ही फेसेस सम प्रॉब्लम इन हिज फोन. ही कॉल्स ऑन अ नंबर 1800 समथिंग 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 टोल फ्री नंबर एंड ये कनेक्ट करता है इंडिया में. एंड यहां पर बैठा हुआ कोई इंडियन उसको बताता है हाउ टू रिजोल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ टू रिजोल्व दिस इशू. सो इंडिया इज प्रोवाइडिंग इट्स सर्विस ना टू दिस पर्सन सिटिंग इन यूएस. सो वी कैन से दैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्विस. सर्विस में बहुत कुछ और आता है लाइक रॉयल्टी पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, फ्राइट, वट एवर सर्विस यू गिव टू द रेजिडेंट्स ऑफ द अदर कंट्री और द सर्विस यू टेक फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑफ द अदर कंट्री. अगर आप उनसे कोई सर्विस ले रहे हो या कोई सर्विस दे रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई फील दैट देर इज अ पर्सन हु इज प्लेइंग वेरी गुड गिटार इन यूएस एंड आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम हिम ओनली. मुझे वो गिटार सीखना उस यूएस के पर्सन से ही सीखना है. देन आई विल कॉन्टेक्ट हिम, आई विल टेल हिम प्लीज टीच मी गिटार, आई विल पे यू सो एंड सो अमाउंट. सो आई एम टेकिंग हिज सर्विसेज ना. सो वेन यू टेक हिज सर्विस और गिव सर्विस टू द रेजिडेंट्स ऑफ एनी अदर कंट्री दैट विल कम इन द करेंट अकाउंट. ये हो गया सर्विसेज. द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव बेटा दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट. अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड दिस मूवी जो भी रिसेंटली आई थी कॉल्ड डंकी. क्या हुआ था डंकी में, व्हाट वाज द एम, क्या बता रहे थे? देर आर मेनी पीपल हु गो टू अदर कंट्री और वहां जाके क्या करते हैं, दे अर्न मनी एंड आफ्टर अर्निंग मनी दे सेंड द मनी बैक टू इंडिया सो दैट देयर फैमिली इन इंडिया कैन लिव वेल. ऐसे ही तो करते हैं, बाहर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, वहां से पैसा अपने घर में भेजते हैं और यहाँ पे ताकि फैमिली अच्छे से चल पाए. दिस इज वॉट दे डू. सो इमेजिन देर इज अ पर्सन हु हैज गॉन फ्रॉम इंडिया टू यूएस. ही इज अर्निंग मनी इन डॉलर्स एंड ही इज सेंडिंग मनी टू हिज फैमिली मेंबर. उसने अपना कुछ पैसा अपने पेरेंट्स को भिजवाया. बेटा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट. वाई ट्रांसफर पेमेंट? बिकॉज देर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन्वॉल्व. पेरेंट्स ने कोई एक्टिविटी नहीं की कमाने के लिए, राइट? बट दे आर गेटिंग मनी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज देयर चिल्ड्रेन. इसे बोल देंगे हम ट्रांसफर. सो ऑल दीज थ्री थिंग्स, गुड्स, सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट्स, दीज आर पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट. तीनों क्लियर हो गए हैं, एग्जाम्पल ऑफ गुड्स, एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज एंड एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसफर पेमेंट. ठीक है जी बेटा, दीज आर सम अदर एग्जाम्पल. सर्विसेज इंक्लूड नेट इन्वेस्टमेंट इनकम. माने अगर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट यूएस में की है बिकॉज यूएस इज गिविंग मी वेरी हाई रिटर्न. यूएस में जब मैं पैसा लगाती हूँ तो वहां का इंटरेस्ट रेट 10% है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट 6% है. सो द इंटरेस्ट इनकम दैट आई अर्न इन यूएस दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन एसेट अब्रॉड लेस द इनकम फॉरनर्स अर्न ऑन देयर एसेट अर्नड इन द डोमेस्टिक कंट्री. इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा. इमेजिन देयर इज एन इंडियन. सपोज हम बोल देते रिलायंस कंपनी. रिलायंस ने अपना पैसा किसी और कंट्री में लगाया हुआ है, कंट्री एक्स वाई सी. फ्रॉम देयर रिलायंस इज अर्निंग सम इंटरेस्ट ऑन द मनी. जो भी उसने पैसा वहां लगाया है, वॉट एवर मनी इट हैज इन्वेस्टेड आउटसाइड, रिलायंस इज अर्निंग सम इंटरेस्ट ऑन इट. नाउ बेटा टेक अनदर एग्जाम्पल. देर इज अ पर्सन सिटिंग इन दिस कंट्री एक्स वाई जी. ही हैज इन्वेस्टेड हिज मनी इन इंडिया. उसने इंडिया में पैसा लगाया है. इन रिटर्न ही इज गेटिंग सम इंटरेस्ट पेमेंट. सो द रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज गेटिंग सम इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम दिस कंट्री एंड द रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री इज गेटिंग सम इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम इंडिया. तो ये पैसा इनफ्लो हो रहा है. दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. मनी इज कमिंग इन, पैसा आ रहा है.
पैसा जा रहा है, मनी इज गोइंग आउट, दिस इज अ डेबिट ट्रांजैक्शन। हम इसका नेट इंटरेस्ट निकाल लेंगे। नेट इंटरेस्ट मींस कितना इंटरेस्ट अर्न किया यहां के लोगों ने बाहर इन्वेस्ट करके, मनी अर्नड लेस मनी वेंट, कितना इंटरेस्ट हमने दे दिया बाहर के लोगों को। द डिफरेंस बिटवीन दैट इज द नेट इंटरेस्ट अर्न एंड दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। क्लियर बच्चे? सो ट्राई टू रीड दिस आउट, रीड दिस। हाँ अब पढ़ो ध्यान से। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन आर एसेट्स अब्रॉड, मतलब जो पैसा हमने बाहर लगाया उस पे हमें कितना इंटरेस्ट मिला। ऑन अवर एसेट्स अब्रॉड लेस द इनकम फॉरनर्स अर्न ऑन देयर एसेट दे ओन इन द डोमेस्टिक कंट्री। जो फॉरनर्स हैं, जो हमारे यहाँ पे पैसा लगा के रखा है जिन्होंने, वहां से उन्हें कितना इंटरेस्ट मिला। सो द नेट इंटरेस्ट दैट वी हैव वी विल कंसिडर दैट। एम आई क्लियर? सो दीज आर द सर्विसेस बच्चा। नाउ प्लीज लुक इन टू द फॉर्मूला वेरी वेल। सो वेन वी नीड टू फाइंड आउट द करेंट अकाउंट बैलेंस, वी विल इंक्लूड थ्री थिंग्स। वी विल इंक्लूड द ट्रेड इन गुड्स, द ट्रेड इन सर्विसेस एंड द नेट ट्रांसफर। थ्री थिंग्स आर इंक्लूडेड, यही तो मैंने आपको बताया, गुड्स, सर्विसेस एंड नेट ट्रांसफर। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस अ बिट ऑन द वर्ड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। थोड़ा सा इस पे समझ लेते हैं बेटा। एक्सपोर्ट मीन्स वेन यू गो अहेड एंड यू सेल टू फॉरनर्स। जब आप फॉरनर्स को कुछ बेचते हो, वेन यू सेल टू फॉरनर्स, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। सो अगर इंडिया अपनी टी यूएस में बेच रही है, इफ इंडिया इज सेलिंग इट्स टी टू यूएस, देन वी कैन से दैट दिस टी इज गेटिंग एक्सपोर्टेड। ठीक है जी? वेन एवर अ गुड इज एक्सपोर्टेड, जब भी कोई गुड आप बाहर बेचोगे, इन रिटर्न दे विल पे यू मनी, सो मनी विल इनफ्लो, पैसा आपके पास आएगा। राइट? नाउ व्हाट इज इंपोर्ट? इंपोर्ट इज व्हेन यू सेल, व्हेन यू आई फ्रॉम फॉरेन, दैट इज इंपोर्ट। सो फॉर एग्जाम्पल अगेन बेटा, दिस इज इंडिया, दिस इज यूएस, यूएस इज सेलिंग यू सम चॉकलेट, कोई एक तरीके की चॉकलेट यूएस में अच्छी मिलती है, स्विट्जरलैंड में अच्छी मिलती है, स्विस चॉकलेट। इन रिटर्न इंडिया इज पेइंग मनी, मनी इज गोइंग आउट, पैसा जा रहा है, राइट? दिस इज कॉल्ड एन इम्पोर्ट। सो इन इम्पोर्ट मनी गोज आउट, इन एक्सपोर्ट मनी कम्स इन। व्हेन वी डू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ऑफ ओनली गुड्स, जब हम सिर्फ गुड्स को कंसिडर करके एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करते हैं, व्हेन वी डू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ऑफ ओनली गुड्स, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड बैलेंस। क्लियर बच्चे? दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड बैलेंस। बट इसी ट्रेड बैलेंस में अगर हम सर्विसेज का भी इंक्लूड कर ले, सो ट्रेड बैलेंस मीन्स ओनली गुड्स, बट इन दिस ओनली गुड्स इफ आई विल इंक्लूड सर्विसेज का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सर्विस हम भी दे सकते हैं ले भी सकते हैं। सो व्हेन वी प्रोवाइड सर्विस टू फॉरनर्स इट इज एक्सपोर्ट, व्हेन वी टेक सर्विस फ्रॉम फॉरनर्स इट इज इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट अगेन इन द नेट अमाउंट। भाई यहां पैसा आ भी सकता है, मेर इफ माई फैमिली मेंबर इज वर्किंग आउटसाइड वो मुझे पैसा भेजेगा, बट अगर कोई फॉरनर यहां काम कर रहा है इंडिया में तो वो भी तो अपना पैसा अपने घर भेज सकता है ना। सो नेट ट्रांसफर पेमेंट अगेन, सम मनी इज कमिंग इन, सम मनी इज गोइंग आउट, कोई यहाँ पैसा भेज रहा है कोई पैसा जा रहा है,
सो इफ आई इंक्लूड ऑल दीज थ्री थिंग्स देन आई विल गेट माई करेंट अकाउंट बैलेंस. क्लियर हुआ बच्चे? सो करेंट अकाउंट बैलेंस इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट, इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी कमिंग इन थ्रू ट्रांसफर पेमेंट्स. जो पैसा अंदर आ रहा है कंट्री के ट्रांसफर पेमेंट्स के थ्रू. बच्चे व्हेन वी टॉक अबाउट इंपोर्ट्स, तो इंपोर्ट्स क्या हो जाते हैं? जो भी गुड्स या सर्विस हम ले रहे हैं दूसरी कंट्री से, एंड जो भी नेट मनी फॉरनर इंडिया को, इंडिया से बाहर भेज रहे हैं अपनी फैमिलीज को, मनी दैट इज गोइंग आउट. तीनों ही केस में मनी बाहर जा रहा है. व्हेन यू परचेज गुड्स मनी गोज आउट, व्हेन यू परचेज सर्विस मनी गोज आउट, व्हेन फॉरनर्स डू ट्रांसफर ऑफ मनी टू देयर फैमिली, इंडिया में काम करते हैं और पैसा बाहर भेज रहे हैं, मनी गोज आउट. राइट? सो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, फाइनली इट गिव्स यू द करंट अकाउंट बैलेंस. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. तो ये तीन चीजें हमारी करंट अकाउंट बैलेंस में आ गई. नाउ बच्चे वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट डेफिशिट और सरप्लस आइटम. डेफिशिट आइटम को बोला जाता है डेबिट आइटम एंड सरप्लस आइटम को बोला जाता है क्रेडिट आइटम. देर इज अ वेरी बेसिक रूल इन अकाउंट्स. आई होप जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं दे विल नो दिस रूल. वी से डेबिट व्हाट कम्स इन, सॉरी क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट. तो अगर तो पैसा बाहर जा रहा है, इफ यू आर स्पेंडिंग मनी, व्हेन विल यू स्पेंड मनी? व्हेन यू विल परचेज गुड्स फ्रॉम फॉरनर्स, व्हेन यू विल परचेज सर्विस फ्रॉम फॉरनर्स, दैट मींस व्हेन एवर देयर विल बी इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, व्हेन एवर देयर विल बी इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस देन मनी विल गो आउट. व्हेन एवर मनी विल गो आउट इट इज कॉल्ड अ डेबिट ट्रांजेक्शन. क्लियर है? नाउ बच्चे द नेक्स्ट थिंग इज क्रेडिट. क्रेडिट इज व्हाट कम्स इन. सो मनी कमिंग इन दैट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. मनी कब आएगा अंदर, कब आएगा कंट्री के अंदर? व्हेन एवर देर विल बी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस. तो जब भी आप पैसा बाहर भेजोगे, व्हेन एवर यू विल सेंड मनी आउटसाइड दैट मतलब सॉरी, व्हेन एवर यू विल सेंड गुड्स आउटसाइड, व्हेन एवर यू विल सेंड सर्विसेज आउटसाइड, दैट इज व्हेन मनी विल कम इन. व्हेन एवर मनी विल कम इन इट विल बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन और अ सरप्लस ट्रांजैक्शन. क्लियर है? अच्छा लेट्स रीड दिस डाउन. एनी ट्रांजैक्शन दैट गिव्स राइज टू पेमेंट बाय कंट्रीज रेजिडेंट्स, इफ यू आर मेकिंग पेमेंट, अगर पैसा बाहर जा रहा है देन इट इज कॉल्ड एज अ डेबिट और डेफिशिट आइटम. एग्जाम्पल इम्पोर्ट ऑफ गुड्स मनी गोज आउट. गुड्स तो आ रहे हैं बट पैसा तो जा रहा है ना. वी विल ऑलवेज कंसिडर इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑलवेज कंसिडर दिस इन टर्म्स ऑफ मनी. सो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, वेन यू परचेज गुड्स मनी गोज आउट. गिफ्ट टू फॉरनर्स, आई एम गिविंग गिफ्ट ऑफ मनी टू द फॉरनर्स. परचेज ऑफ लैंड इन द फॉरन लैंड. सो इफ आई गो टू यूएस एंड आई परचेज गोल्ड और आई परचेज अ लैंड और आई परचेज एनी एसेट, आई एम गिविंग देम मनी ना. मनी इज गोइंग आउट ना. सो वेन एवर मनी गोज आउट इट इज अ डेबिट और अ डेफिशिट ट्रांजेक्शन. बच्चे कम टू द नेक्स्ट थिंग, क्रेडिट और सरप्लस आइटम. वॉट इज क्रेडिट और सरप्लस आइटम? एनी ट्रांजेक्शन दैट गिव्स राइज टू रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम फॉरनर. सो इफ यू रिसीव पेमेंट फ्रॉम फॉरनर, कब कब पैसा आ सकता है? वेन यू विल सेल योर एसेट टू फॉरनर. यू टेल देम कम कम परचेज लैंड इन इंडिया, दे विल गिव यू मनी, दैट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. पेमेंट बाय फॉरनर, वेन एवर यू विल सेल देम एनी गुड, टी कॉफी वट एवर क्लोथ, वेन एवर यू विल सेल गुड्स टू फॉरनर यू विल रिसीव मनी ना. सो पेमेंट बाय फॉरनर विल बी अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन और अ सरप्लस ट्रांजेक्शन. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सेट्रा. सो मनी कमिंग इन, मनी कमिंग इन दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. मनी गोइंग आउट दैट इज अ डेबिट ट्रांजैक्शन. क्लियर हो गई बात? ओके बच्चे,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेन इज योर करंट अकाउंट इन सरप्लस. तो सरप्लस का मतलब क्या है? सरप्लस मींस पॉजिटिव, राइट? डेफिशिट मींस नेगेटिव. सो अ करंट अकाउंट इज इन सरप्लस व्हेन एक्सपोर्ट्स एक्सीड इंपोर्ट्स. क्लियर बेटा? बच्चे एक्सपोर्ट्स में क्या आ जाएगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. कब का पैसा आ रहा है? व्हेन व्हेन मनी इज कमिंग इन, व्हेन ईदर यू विल सेल देम गुड्स और यू विल सेल देम सर्विस और व्हेन देयर विल बी अ ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड. भाई आपका भाई बहन योर सन सिस्टर एनीबॉडी इज सेंडिंग सेंडिंग यू मनी. सो ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड. राइट बेटा? व्हेन दिस इज ग्रेटर देन योर इंपोर्ट्स. इंपोर्ट्स क्या होंगे बच्चे? व्हेन यू परचेज गुड्स फ्रॉम आउटसाइड, व्हेन यू परचेज एनी सर्विस ऑफ फॉरनर्स और व्हेन मनी गोज फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन. यहां पे कोई काम कर रहा है जिसने पैसा बाहर भेजा. सो ट्रांसफर पेमेंट टू एब्रॉड. बेटा नाउ लुक वेरी केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग. बहुत ध्यान से देखना. दिस इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड, दिस इज इंपोर्ट ऑफ गुड. देर इज अ ग्रेटर देन साइन इन बिटवीन. तो ऐसे देखो जरा ध्यान से. इफ आई वर टू गो अहेड एंड आई वर टू टेक दिस ऑन दिस साइड, मैं इसको यहां ले गई, ठीक है बच्चे, एंड आई टेक दिस हियर नाउ, तो क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड. ये इंपोर्ट ऑफ गुड को मैं यहां पे लेके गई हूं. प्लस बेटा दिस इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, दिस इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस. तो इसको अगर मैं यहां ले जाऊं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विस प्लस बेटा दिस इज ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम एब्रॉड, जो बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है, माइनस ट्रांसफर पेमेंट टू एब्रॉड, जो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है. सो फ्रॉम माइनस टू एंड आई एम सेइंग दैट दिस इज ग्रेटर देन जीरो. आई एम सेइंग दिस इज ग्रेटर देन जीरो. तो बच्चे ये तो हो गए हमारे नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ये हो गई नेट ट्रांसफर पेमेंट. दिस इज ग्रेटर देन जीरो. एंड बेटा नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट ट्रांसफर पेमेंट हो गया नेट करंट अकाउंट बैलेंस ग्रेटर देन जीरो. नेट करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव हो गया ना. ग्रेटर देन जीरो मींस पॉजिटिव. इफ इट इज पॉजिटिव इट इज अ सरप्लस. यही तो बोल रहे हैं हम. व्हेन विल वी बी इन अ सरप्लस? हम कब करंट अकाउंट में सरप्लस में होंगे? व्हेन विल वी हैव अ पॉजिटिव बैलेंस? व्हेन विल वी बी इन सरप्लस? वी विल बी इन सरप्लस व्हेन दिस जो भी पैसा आ रहा है, वेदर इट इज कमिंग बाय सेलिंग गुड्स, वेदर इट इज कमिंग बाय सेलिंग सर्विसेज, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम द मनी दैट योर रिलेटिव्स आर सेंडिंग यू, इट शुड बी मोर देन द मनी दैट इज गोइंग आउट. जब हम इसे सॉल्व करते हैं, वी सी दैट वी गेट अ पॉजिटिव करेंट अकाउंट बैलेंस. हमें एक पॉजिटिव करेंट अकाउंट बैलेंस मिलता है. एम आई मेकिंग सेंस बच्चे? ओके सो नाउ जस्ट कम हियर, जस्ट रीड दिस डेफिनेशन. इट सेज दैट द करेंट अकाउंट बैलेंस इज इन सरप्लस व्हेन योर एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट प्लस नेट ट्रांसफर टू फॉरनर्स. एक ही बात है, वी हैव रिटन नेट ट्रांसफर फ्रॉम फॉरनर, ठीक है? तो रिवर्स होके इट कैन गो ऑन द अदर साइड. दैट इज रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विस एक्सीड पेमेंट. बहुत सिंपल टर्म्स में हम ये कह रहे हैं दैट वॉट एवर मनी इज कमिंग इन, जो भी पैसा हम ले रहे हैं थ्रू रिसिप्ट, इट एक्सीड्स द मनी दैट इज गोइंग आउट, देन यू विल बी इन अ करेंट अकाउंट सरप्लस. क्लियर बच्चे? ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल अकाउंट. अभी हमने क्या पढ़ा है? वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ करेंट अकाउंट. नाउ वी वॉन्ट टू गो अहेड एंड अंडरस्टैंड